नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। गुवाहाटी से असम तक पहुंचने में देश भर के ट्रक चालकों को 17 नाका गेटों पर देनी पड़ रही है रिश्वत का पगार। केंद्र सरकार के स्वच्छ नीति अंधेरे में लाचारी से निपटने के लिए ट्रक चालकों ने प्रधानमंत्री से किया अपील। घाटी के साथ संगति रखते हुए हाइलाकांड जिले के काटाखाल क्षेत्र में चल रही है रेत के अवैध व्यापार। वन विभाग के आंखों में धूल झोंक कर रेत माफिया चला रहे हैं व्यापार। आधार कार्ड दिए जाने के नाम पर लामनी क्षेत्र में सामने आया रिश्वतखोरी का काला व्यापार। दो महिलाओं को लिया गया हिरासत में, मुख्य आरोपी हुआ फरार। लोगों में देखी गई क्षोभ की स्थिति। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा बराक घाटी सफर के दौरान हवाई अड्डे पर ही किया गया रोकथाम। 40 लाख लोगों के प्रतिनिधि बनकर बराक घाटी के सफर का मंसूबा पड़ा फीका। प्रशासन ने निभाई कड़ी कार्रवाई। सचेतन नागरिक मंच असम ने दिखाया काला झंडा। नारी शक्ति प्रतिदिन प्रतिनियत करे आसा समाज जीवने किछु कर्मकांडके हासि एवं मजार अनुष्ठानेर माध्यमे पूर्णांग रूप दिते बराक पत्ता एवं श्रीगणेश प्रोडक्शनेर जौथ उद्योगे शुरू होते चलेछे महिलादेर जनप्रिय सारा जागानो ঘরোয়া প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। যুগের সাথে তাল মানিয়ে মহিলারা আজ আর পিছে নেই। গৃহলক্ষ্মী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি বিভিন্ন গৃহিণীরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে জানে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে তারা বিজয়ী হয়েছে। তাদের ট্যালেন্টকে তারা সামনে পুপুলি পর্দায় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং পরিবারের মধ্যে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে যথেষ্ট আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠান সামনে রেখে আমরা শুরু করেছি আমাদের এবারের এপিসোড গৃহলক্ষ্মী। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राज्य व केंद्र सरकार काला धंधा यानी काला धन वापसी को लेकर कई वायदे किए। देश के विभिन्न क्षेत्र में कई नई अधिनियम भी लागू किए गए। कई क्षेत्र में नाका गेटों को उठा लिया गया। कई क्षेत्र में अवैध गैर सरकारी चेक गेटों को भी रद्द कर दिया गया। कुछ क्षेत्र में गेटों को उठा भी लिया गया, लेकिन आज भी काला व्यापार जोरों पर चल रहा है। गुवाहाटी से असम तक पहुंचने में देश भर के ट्रक चालकों को कुल 17 नाका गेटों पे केंद्र सरकार की स्वच्छ नीति को अंधेरे में रख देनी पड़ रही है रिश्वत का पगार। लाचारी के हालत से निपटने के लिए ट्रक चालकों ने प्रधानमंत्री को एक स्मारक लिपि प्रदान किया है और अपील भी किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वांचल की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा भारत के हर एक क्षेत्र में ट्रक चालकों की जीवनादर्श पर कई सवालिया निशान लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां ट्रक चालक अपने जान जोखिम में डालकर देश के विभिन्न क्षेत्र में ट्रकों को लेकर माल सरबराह करने में जुटे रहते हैं, तो इसी दौरान लोगों को बेहद परेशानी के दौर से भी गुजरना पड़ता है। अक्सर सड़क हादसा तो कहीं डकैती की वारदात तो कहीं पुलिस की डकैती, कई और वारदात का सामना कर ट्रक चालकों को अपने जीवन जोखिम में डालकर चलना पड़ता है। राज्य व केंद्र सरकार ने गाडकारी साहब के नीति के अनुसार कई क्षेत्र में टोल गेट लगाए हैं, लेकिन टोल गेट तक पहुंचने से पहले कई क्षेत्र में ट्रक चालकों को गैर जिम्मेदाराना तौर पे रिश्वतखोरी का पैसा पुलिस प्रशासन को देनी पड़ती है। ये आरोप किसी संवाद माध्यम की नहीं बल्कि खुद ट्रक चालकों का है, क्योंकि ट्रक चालकगण जिस क्षेत्र में अपने व्यापार करते हैं, जिस क्षेत्र में यातायात करते हैं, उसी क्षेत्र में उन्हें परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि पुलिस के मांग पर पैसा न देने पर उनकी पिटाई भी हो जाती है। कई बार कई क्षेत्र में से वारदात हुए, लेकिन बराक घाटी के कई क्षेत्र में अब भी ऐसे भी व्यापार चल रहे हैं। खासकर मेघालय राज्य के राताचोड़ा क्षेत्र में ट्रक चालक जब इस क्षेत्र में आते हैं तो राताचोड़ा पुलिस चेक गेट पर उन्हें बड़े पैमाने पर पैसा देना पड़ता है। जितने पहिए ट्रक के हैं उतने हजार रुपए उन्हें देने पड़ते हैं। अगर 16
पहिए के ट्रक इस क्षेत्र से गुजरती है तो कम से कम 16,000 रुपया उन्हें देना पड़ता है और अगर पैसा नहीं दिया जाता तो ट्रक चालकों की पिटाई होती है या फिर उनके गाड़ियों पर तोड़फोड़ की जाती है। दिन को पुलिस प्रशासन पुलिस की वर्दी पहनकर जहां कानून निभाती है तो वहीं दूसरी ओर रात के वक्त कई क्षेत्रों में पुलिस के कार्यकर्तागण मानो गुंडा बन जाते हैं। ये आरोप ट्रक चालकों का है। कई और पहलुओं को लेकर परेशानी के कगार में जी रहे ट्रक चालकगण राज्य व केंद्र सरकार के कई नीतियों पर जहां सराहना किया तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन तथा विभिन्न टूल गेट व नाका गेटों में बड़े पैमाने पर अवैध पैसे दिए जाने पर जो परेशानी झेलनी पड़ रही है इस संदर्भ में संवाद माध्यम के समक्ष खुलासा भी किए। बराक वार्ता के साथ बातचीत के दौरान कश्मीर से कन्या कुमारी तथा कई और क्षेत्र के ट्रक चालकों ने बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य उजागर किए। प्रधानमंत्री को जैसे झारखंड में यूपी में इतनी धांधली थी, इतना गुंडा करती थी, हम मानते हैं उधर खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। यूपी में इतना गुंडा करती था 70 साल से कांग्रेस, हम ना कांग्रेसी हैं ना हम बीजेपी हैं, हम तो एक आम ड्राइवर हैं जम्मू कश्मीर के, हम किसी की साइड नहीं देते। जो हिंदुस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है आज तक माई का लाल कोई मर्द हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया, आज तक जन्म लिया। यूपी में इतना गुंडा करती था, बिहार में इतना गुंडा करती था, झारखंड में इतना गुंडा करती था, जहां जहां बीजेपी की सरकार आई है वहां पे सब कुछ साफ हो गया। असम में था गुंडागर्दी, असम में कम हो गया, अब रहा ये बंगाल में और दूसरा रहा ये मेघालय में और त्रिपुरा में। श्रेयाम लूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कहता जाओ तुम मोदी जी के पास जाओ, मैं कोई बात नहीं, आज तुम्हारा टाइम है कल उनका टाइम आएगा। मगर बहुत गुंडागर्दी है, हम इंडिया सरकार को यही बोलते हैं इन चोरों को लगाम कसो, जैसे आपने झारखंड में कसा है इन चोरों को, दूसरा नंबर यूपी में कसा है, यूपी और बिहार में कसा है, सब जगह चोर अंदर के कर रखे हैं मोदी जी ने। मोदी जी को हम बोलते हैं ये जो मेघालय के चोर हैं और ये बंगाल के ये दीदी के ये ममता बनर्जी दीदी के जो भी हैं, हम तो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भी है क्या पता हम ए, ए, जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी उसको नहीं मालूम क्या हो रहा है मेरे राज्य में, मगर उसके राज्य में इतना गुंडागर्दी हो रही है। बंगाल में हर जगह पुलिस ने जाम लगा रखा है, हर जगह नाके लगा रखे हैं, जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर में जाना होता है हमने, बाघा बॉर्डर में इतने बैरिल नहीं है जितने बैरिल मंगाले में, त्रिपुरा में और बंगाल में है। लूट रहे हैं पुलिस वाले। कोई हमारी तो यही डिमांड है जी मोदी सरकार से कि हमें अपनी गाड़ी साफ सुथरी चलाने दे, हम अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं, यहाँ पे भी हमें डर के रहना पड़ता है कि हम जिंदा घर वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमें हर तरफ से डर रहता है, तो हम गाड़ी कब चलाएं। दिन में पुलिस वाले गाड़ी नहीं चलाने देते, आठ क्यों गाड़ी नहीं चलाने देते, रात में गुंडे गाड़ी नहीं चलाने देते, तो गाड़ी कब चलाएं। और गडकरी जी, ये जब हिंदुस्तान में इनका राज आया बीजेपी का, गडकरी जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में जितनी भी चेक पोस्ट हैं, जितनी की चेक पोस्ट है आरटीओ की सब उठा देंगे, उठा देंगे, मगर कोई नहीं उठाया, उठाई नहीं, ये पीछे ही देख लो कोई चेक पोस्ट नहीं उठाया, चराई वाली चेक पोस्ट लगी हुई है। हम जम्मू कश्मीर से चल के आए हैं, हमारा कागज कम है, एक कागज भी कम होगा, आजकल हर कागज ऑनलाइन है, अगर एक कागज कम होगा दूसरा कागज नहीं भरेगा। जम्मू से इधर तक कम से कम 10 स्टेट हमने पार किया है, एक भी कागज हमारा कम नहीं है, फिर भी इन्होंने गुंडे बैठा रखे हैं आरटीओ चेक पोस्टों में, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, फाइल ले लेंगे, बोलेंगे पैसा लाओ। इतना हमने स्टिंग ऑपरेशन करके मोबाइल में बहुत कुछ डाल डाल के फेसबुक में भेजा, कोई कुछ नहीं हुआ। आज आप प्रेस वाले हमने देखा आप बना रहे हैं, चलो हम भी चलो 2-4 बातें बोल दें। प्रधानमंत्री को यही बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात जो हिंदुस्तान में जो पंप खुले हुए हैं, एक दो रात को हमको पंप वाले गाड़ी नहीं लगाने देते, वो बोलते हैं तेल डालो तो गाड़ी लगाओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान के जो पेट्रोल पंप है सबसे बढ़िया, वो हमको पंप गाड़ी नहीं लगाने देते, गाड़ी लगाने देंगे तब पहले डालेगा 200 लीटर तेल डालो, तेल डालेंगे अब बताओ पीछे से तेल डाल के आए रात को एरिया में गालेगा, जहाँ से रात को डकैती होती है, ड्राइवर वो ड्राइवर को मार दिया, खलासी को भी मार दिया, गाड़ी भी उन्होंने नीचे फेंक दिया, सामान भी लूट के ले गए, किस लिए वो गाड़ी हमको पंप में लगाने नहीं देते, अगर पंप में बाहर लगाई तो आपको रात को हमको हमला करके वो मार देंगे। ना जिस क्षेत्र में लूटपाट हो उस क्षेत्र का एएसआई जो एसएच हो उसको सस्पेंड करके उसी वक्त उसको घर में भेज दो, इस तरह इलाके में गाड़ी कैसे लूटा गया, कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ कोई पेट्रोलिंग नहीं है, इधर देखो मान लो किसी ड्राइवर को जरूरत पड़ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई गाड़ी खराब हो जाए, कोई पुलिस वाला नंबर होना चाहिए बंदा उस पर फोन कर सके, हमें डकैत पड़ गए हैं या हमें सुरक्षा चाहिए, ये मेघालय में इधर में कोई सुरक्षा नहीं है, सब पुलिस का मिली भगत है। बस हम मोदी जी को यही बोलते हैं जिस एरिया में ये कांड हो रहा है
एक बात बता, हम भी जम्मू कश्मीर वाले हैं, हमारे घर में जो खाना बनता है वो भी पुलिस को मालूम होता है हमारे घर में क्या बना है। ड्राइवर को श्रेयाम गोली मार के लूट जा रहा है, क्या पुलिस वाले को मालूम नहीं है? पता होता है सब पुलिस वाले को, मालूम खाने को मालूम होता है, पैसा चढ़ता है उनको। हम हर पुलिस वाले को गलत नहीं साबित कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं तो हम चल रहे हैं, हर पुलिस वाला बुरा नहीं है, कुछ चंद पुलिस वाले हैं जो अफसर हैं जिनके मुंह में खून लगा हुआ है, उनको पैसा चाहिए, जैसे मर्जी पैसा चाहिए उनको, शाम को पैसा चाहिए, चाहे मर्जी जैसे लूट के लाए, जैसे मर्जी पैसा लाए। उस जिस एरिया में हमारा ये कांड होता है, क्या उस अफसर की जिम्मेवारी नहीं है ये कांड कैसे हुआ? पुलिस वाले को वो तक मालूम होता है, घर में जो खाना बना था वो उनको मालूम होता है, घर में क्या खाना बना तो उसको मालूम नहीं है? नेशनल हाईवे रोड में गाड़ी लूट रहे, कौन लूट रहा है, कौन सा गिरोह आया लूटने के लिए, इनको सब मालूम होता है। मोदी जी, इन चोरों का इलाज करो, ये बेईमान जो RTO और ये TI और कलकत्ता बंगाल में जो लूट मचा रहा दीदी जी, उसको बंद कीजिए। नमस्कार। बराघाटी की विभिन्न क्षेत्र में वन विभाग के कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंक कर बड़े पैमाने पर रेत लकड़ी व पत्थर के व्यापार अब भी चल रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही व्यापार की तस्वीरें हाइलाकांदी जिले के काटाखाल क्षेत्र में देखने को मिली है। अवैध रेत के कगार इस क्षेत्र में चल रही है। ट्रकों पर विभिन्न क्षेत्र से लाए गए रेत लादकर बगैर किसी कागज के कई क्षेत्र में व्यवसाय किया जा रहा है। और तो और, एक तरफ जहाँ वन विभाग के कार्यकर्ता चुप्पी साधे बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेत माफिया अपने बाहुबल प्रदर्शन कर कई क्षेत्र में अपने व्यापार को सराहना दे रहे हैं। सरकार की राजस्व विभिन्न क्षेत्र में मार खा रही है। कई क्षेत्र में कोषागार में पैसे जमा नहीं किए जा रहे हैं। बगैर किसी पर्ची के रेत नाव से लादकर ट्रक पर लाया जाता है, ट्रक से विभिन्न क्षेत्र में सरबराह किया जाता है और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती, और अगर लगती भी है तो वन विभाग के कार्यकर्ता या फिर बीट ऑफिसर के हाथों व्यापार ही हो जाता है। सरकार चाहे कहीं पर भी क्यों न जाए, सरकार के खाते में पैसा आए या फिर ना आए, लेकिन वन विभाग के कार्यकर्ता व रेत माफियाओं के जेब वक्त के साथ साथ धीरे धीरे गर्मी भी हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्र में रेत के व्यापार बड़े पैमाने पर गैर जिम्मेदाराना तौर पर चलाई जा रही है। कुछ ऐसे ही तस्वीरें काटाखाल क्षेत्र के नदी तटवर्ती इलाके में देखने को मिला है। करीमगंज जिले के प्रगतिक मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंग के आए तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधियों द्वारा बराघाटी सफर को त्याग कर वापस लौट जाने की मांग करते हुए धरना व विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने काला झंडा लेकर विक्षोभ कार्यक्रम में शामिल हुए और उनका मांग था कि पश्चिम बंग से आए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वापस लौट जाएं, असम की गतिविधियों पर अपनी नाक न डालें और इस क्षेत्र में चैन व अमन का जो माहौल है असम में उसे बरकरार रखें। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन नारेबाजी किया गया और बाद में संवाद माध्यम के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए गए। प्रतिवाद सभा महात्मा गांधी पादोदेशे जो प्रतिवाद सभा हमें सब्यस्त करलम, तार कारण हे ममता बनार्जी आसाम निये जो घिन्न राजनीति शुरू करेछेन तारी प्रतिवादे आमादेर ए प्रतिवाद सभा। 40 লক্ষ মানুষের নাম না আসলেও আমরা শান্তিতে বসবাস করছি আর আগ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। মমতা ব্যানার্জি যে আজকে যে তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন, আটজন পাঠিয়েছেন, এর মধ্যে একজন সাংসদ, তার মন্ত্রিসভার মন্ত্রী, বিধায়কদের পার্টি। আধার কার্ড দিয়ে জানে কে নাম পর রামলিং ক্ষেত্র মে সামনে আয়া রিশবতখোরি কা কালা ব্যাপার। সন্দর্ভে 2 মহিলা কো হিরাসত মে লিয়া গিয়া হ্যায়, লেকিন মুখ্য আরোপী অব ভি ফরার হ্যায়। সূত্র কে অনুসার আধার কার্ড দিলায়ে জানে কো সামনে রখ पैन कार्ड व कई और कागजात दर्शाने के साथ साथ आर्थिक मांग भी किया जा रहा था। एक सिंडिकेट के जरिए आधार कार्ड लोगों को मुहैया करवाया जा रहा था, लेकिन खुफिया सूत्र के आधार पर छानबीन के बाद कुछ तथ्य प्रभावित हिताधिकारियों ने उद्धार कर प्रशासन तथा संवाद माध्यम के समक्ष उजागर किए हैं। इस मुद्दे को लेकर लामनी क्षेत्र में लोगों में गहरा क्षोभ की स्थिति है और इस संदर्भ में प्रशासन भी कड़ी कार्रवाई पर उतर आई है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और तीसरा व्यक्ति फिलहाल फरार है, लेकिन उसकी भी तलाशी की जा रही है। आखिरकार इस क्षेत्र में लोगों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, लोग सराहना कर रहे हैं, कई क्षेत्र में लोग परेशानी भी झेल रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों पर 2 नंबरी व्यापार की शिकंजा वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हमारे लामनी के संवाददाता अरूप राय ने विस्तारित तथ्य उजागर किए।
এটা কেন্দ্র হয়েছে আর তা স্মার্ট কার্ডের নামত 200 টাকা 300 টাকা করে গ্রাহকের পর ধন লো আছে কি কব এই কম্পক স্মার্ট কার্ডের কোনো কনসেপশন আমার ইয়াত নাই আমি আধার কার্ডের কারণে তাহত থার্ড পার্টি মাতি আনিছো আর তাহত কোয়া আছে ডাইরেক্টলি যে আধার কার্ড করিব কারণে আর এই আধার কার্ডের কারণে কোনো ধরনের কোনো পয়সা লওয়া নহব আর মানে কোনো পয়সা লওয়ার কথা নাই আর আমার তাতে সব ওয়ালত সাইনবোর্ড কাস্টমার সুবিধাতে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমি সাইনবোর্ডও দিয়া আছে যে আধার কার্ড ফ্রি করা আছে ব্যাঙ্কের ভিতর স্মার্ট কার্ডের নামত ধন লব পারে নাকি এটা স্মার্ট কার্ড কি বস্তু স্মার্ট কার্ড তো আমার ব্যাঙ্কের ফলের পর করব কাকু দিয়া নাই আমি আধার কার্ডে করব দিছি আপনি কিবা স্মার্ট কার্ড করেছে বলে তো আমার জানাই নাই আজিলেকে কোনো কাস্টমার মো ইয়াত আহি কোনো কমপ্লেন করা নাই না রিটেল না মার মই এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা গম পাইছোঁ যে আধাৰ কাৰ্ড কৰি আছে আৰু টকা ওলাই আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত কোনো প্ৰমাণ নাই এতিয়ালৈকে কোনো কাষ্টমাৰ বা কোনো চিটিজেন যি কৰিছে আমাৰ ইয়াত কোনো মানে ছাৰ ক'বলৈ গ'লে ইয়াতো কোনো অথৰিটি নাই ন কি আপোনালোকেতো গম নাপায় যে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত স্মাৰ্ট কাৰ্ড বনাই আছে আমি ইয়াত স্মাৰ্ট কাৰ্ড বনাই আছোঁ বুলি আমি গম নাপাওঁ আমি জানো ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডেই হৈ আছে সিহঁতে আধাৰ কাৰ্ডেই কৰি আছে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে গতিবিধি উপর যাম বড়া ঘাটি মে উথল পুথল কা মাহল হে কই ক্ষেত্র মে লোক नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ममता बनर्जी के निर्देश पर कई छात्र संगठन गैर बंगाली समुदाय के लोगों को परेशानी झेल रहे हैं। कई क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोगों को भी हैरान किया जा रहा है। ऐसे हालात में बराघाटी में भी तनाव का माहौल वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। बराघाटी तथा असम राज्य में एनआरसी प्रक्रिया के दौरान करीब 40 लाख लोग वंचित होने के बाद उन्हें सहयोग किए जाने के नाम पर सभा किए जाने के लिए पश्चिम बंग तृणमूल कांग्रेस के 8 सदस्यों का एक प्रतिनिधि दल सिलचर के कुमिरग्राम हवाई अड्डे में पहुंचे, लेकिन इसी दौरान अड्डे में पहुंचते ही पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। इसी दौरान सांसद प्रतिनिधि दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन की हाथापाई की वारदात भी हुई। महिला पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को रोका, इसी दौरान हाथापाई का माहौल और भी बिगड़ गया। बाद में मंत्री फिरहाद हकीम, सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, काकोली घोष दोस्तीदार, रत्ना देनाग, नदीमूल हक तथा अर्पिता घोष को हिरासत में लिया गया। ममता ठाकुर को भी पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई के जरिए रोका। विधायक महुआ मित्र को भी इस क्षेत्र में जब्त किया गया। कई और दिग्गज हस्तियों को इस क्षेत्र में हवाई अड्डे से बाहर निकलने भी नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के चलते एक तरफ जहाँ सिलचर शहर में 144 धारा चल रही है, उसी के आधार पर कानूनी तौर पर शिकंजा कसकर पश्चिम बंग से आए तृणमूल कांग्रेस के 8 सदस्यों को जब्त कर दिया गया और हवाई अड्डे से निकलने ही नहीं दिया गया। मुद्दे को लेकर पूरे देश में इन दिनों उथल पुथल का माहौल है। राजनीतिक मुद्दा सरगर्म हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ किए गए गतिविधियों को लेकर प्रशासन भी सवाल के कटघरे पर खड़ा हुई है, लेकिन 144 धारा लागू होने के बाद भी इस क्षेत्र में ऐसे कार्रवाई होने पर लोगों में गहरा दुखद माहौल है। अंदर हम लोग को कुछ भी बता नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि अब अभी मतलब एक पचपन बजे फ्लाइट इधर है, फ्लाइट में आ गया, सब जत्री लोग बाहर निकल गया, लेकिन हमारा संसद भी एमपी लोग भी अभी तक बैठा हुआ है। उधर में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग को पता ही नहीं दे रहा है। लेकिन इधर में आप देखिए ना कितना सिक्योरिटी रख के रखती है, मतलब कोई पता नहीं, जैसे जैसे वो जैसे ऐसे लग रहा है कि मतलब जिद्द उद्द चलेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन हम लोग को मतलब वही बात मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। लेकिन समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। नमस्कार, श्री श्री माँ मनुषा जयतु स्वप्नादेश श्री श्री माँ मनुषा पूजा व महाजज्ञ स्थान आसामी बस्ती नेताजी नगर 2 नम्बर गली शिलचर। महाशया महाशया विनीत निवेदन ये हमें माँ विश्वर सेवायित सम्प्रति माँ विश्वर स्वप्नादेश पे माँ स्वयं हमारे आदेश कर वजागन सह 9 दिन व्यापी एक महाजज्ञ करार जन्य आगामी 30 श्रावण 1425 बांगला 16 আগস্ট 2018 ই বৃহস্পতিবার থেকে 7ই ভাদ্র 1425 বাংলা 24শে আগস্ট 2018 ইং শুক্রবার পর্যন্ত চলবে এই মহাযজ্ঞ।
চাঁদা তুলেই এই বিশাল যোগ্য কার্য সম্পন্ন করতে হবে। আমি দরিদ্র সেবায়িত, আপনাদের সাহায্য ব্যতীত এত বড় যোগ্য কার্য আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব ভক্তবৃন্দের কাছে আমার নিবেদন, মায়ের স্বপ্নকে সাকার করে তুলতে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University Silchar, offering honors in English, Economics, Political Science, History and Bengali, along with various past courses. Khairunnesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairunnesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. Samacharon ke agle charan mein काटीगुड़ा के विधायक अमर चांद जैन ने बृहत्तर काटीगुड़ा जल प्रकल्प के तहत काटीगुड़ा सर्कल ऑफिस के संलग्न क्षेत्र में 1000 लीटर रिजर्वर बिठाए जाने के मुद्दे को लेकर इलाके का दौरा किया। इस कार्यक्रम में पीएचई विभाग के जेई सत्यव्रत दास, काटीगुड़ा के सर्कल अफसर वाहिदुल लश्कर वहीद, दूसरे कई हस्तिगण मौजूद थे। गौरतलब है कि पेयजल परिसेवा को लेकर इलाके के लोग पिछले कई वर्षों से परेशानी झेल रहे हैं। असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन के उपसभापति रफीक अहमद ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया है कि अवैध तौर पर नागरिक पंजीकरण कार्यक्रम में विभिन्न नागरिकों को नाम सूची में शामिल किया गया है, लेकिन खिलंजिया बंगाली तथा मुस्लिम नागरिकों के नाम कई क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है और इसके चलते संगठन की ओर से एक आंदोलनमूलक कार्रवाई भी की जाएगी। एक तरफ जहाँ इस मुद्दे को लेकर सांप्रदायिक माहौल खड़ा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य जिला प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई है, राज्य सरकार जो एनआरसी सूची में अहम लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है, इसके चलते लोगों में गहरा क्षोभ की स्थिति है। इधर सरकार का कहना है कि आने वाले 7 अगस्त को नए फॉर्म दाखिल के जरिए रिक्त पड़े लोगों के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर 2/3 लोग जहां नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिन लोगों का नाम सूची पर शामिल हो चुका है वे चैन की माहौल में जी रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट आसाम रे केंद्र करे आसामेर एनआरसी टा होक भारतेर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द लेफ्ट जतटा ऑर्गेनाइजेशन आछे सबई चाइछे, इटाते आमरा कोनो दिमत नाई। किन्तु एनआरसी करते गिया देखा गेलो विभिन्न समय जे एखाने किछु एटा पॉलिटिकल राजनैतिक एटा संस्था जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, সেই জনতা পার্টির যেগুলা এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে কোনো নাম মেনশন আমি করব না, কিন্তু বেশ কিছু মানুষের নাম তাদের তত্ত্বাবধানে এবং ঢুকছে ইলিগ্যাল ইন্ডিয়ান নাগরিক, সেগুলা ঢুকাইছে। তাতে আমার আপত্তি নাই, থাক ভারতবর্ষে, যদি কেউ ঢুকায় কেন্দ্রীয় সরকারে যদি কোনো আমার দরিদ্র শ্রেণীর কোনো মানুষের নাম যদি আমার দেশে নাগরিকত্ব দেয়, আমি সবসময় শ্রমজীবী মানুষের পার্টি যেহেতু করি সেই হিসেবে আমি এটা ওয়েলকাম জানাই। গভর্নমেন্টে যদি স্টেপ নিয়ে সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যে ঢুকায়, কারণ যারা কর্ম নাই, বেকারত্ব আছে, আমার পুয়ার বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ আমার দেশে আয় কর্মের সংস্থানে, সে খেটে বাঁচে। কারণ আমরা একটা স্লোগান দিই, দুনিয়া আর মজদুর এক। সুতরাং শ্রমিকদের প্রতি যদি আমার ভারতবর্ষ সরকারের দরদ দেখায় আর শ্রমজীবী মানুষের নামটা ঢুকিয়ে দেয়, ওয়েলকাম করবো আমি। কিন্তু ভারতবর্ষের যারা নাগরিক এবং খিলিঞ্জিয়া মুসলিম সম্প্রদায় এবং অন্যান্য বাঙালি সম্প্রদায় আসাম বেলিতে যারা আছে, তাদের নাম যদি কোনো অবস্থাতে বাতিল করে, সেটা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বরদাস্ত করবে না। তারা ওয়েট অ্যান্ড সি, আমরা অপেক্ষা করব এবং দেখব। সেজন্য আমরা আগামী দিনে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবই। শিলচর কে জানে মানে সংগঠন সিম্ফনি ক্লাব কে 30বি বর্ষগাঁঠ কে অবসর পর তথা মহান গায়ক কিশোর কুমার কে 90বা জন্মতিথি কে অবসর পর রাঙ্গিখাড়ি শুভ মিলন বিবাহ ভবন মে এক রঙ্গারঙ্গ কার্যক্রম আয়োজিত কিয়া জায়গা। ইস অবসর পর কুছ জানে মানে লোগো কো সম্বর্ধনা প্রদান কর সম্মানিত ভি কিয়া জায়গা। ইস সন্দর্ভ মে জানকারি দেতে হুয়ে সংগঠন কে প্রমুখ কার্যকর্তা সঞ্জীব সিং নে বিস্তারিত
उजागर किए हैं और सभी स्तर के लोगों को इस क्षेत्र में सहयोग किए जाने का अपील भी किए हैं। আমরা প্রথমে সিম্পনির তরফ থেকে সবাইকে আমরা আন্তরিক প্রীতিম শুভেচ্ছা জানাই। আমরা এবছর সিম্পনির 30 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা আয়োজন করেছি খেলাধুলা। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ক্যারাম কম্পিটিশন চলছে সেমিনার, আগামীকাল ফাইনাল হবে। তো আমরা সিম্পনির 30 বছর এবং কিশোর কুমারের 89তম জন্মদিন উপলক্ষে আমরা অনুষ্ঠান রাখবো আগামী 4 আগস্ট শুভমিলন বিবাহ ভবনে সন্ধ্যা 6টা থেকে আমাদের অনুষ্ঠান হবে। তার সঙ্গে আমরা গুণীজনের সম্বর্ধনা প্রত্যেক বছর দিই, এবার আমরা 3 জন গুণীজনকে সম্বর্ধনা দেব। আমরা ওদের নামটা ফাইনালাইজ করব আজকে, কারণ এনআরসির জন্য আমরা প্রোগ্রামটা আজকেই ফাইনাল করেছি। তো আপনাদের সবাইকে সিম্ফনি কেরাকো মিউজিক্যালের যে প্রোগ্রামটা হবে 4 আগস্ট আঙ্গিরকাড়ি শুভমিলন বিবাহ ভবনে আপনাদের সবাইকে আসার জন্য অনুরোধ রাখছি। करीमगंज जिले के विभिन्न क्षेत्र में गांजे के व्यापार से जुड़े मनोहर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्र के अनुसार बरुणडांगा क्षेत्र के रहने वाले मनोहर हुसैन हाल ही में नशे के कारोबार में जुड़े रहने के शक के आधार पर तथा सबूत मिल जाने पर पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया था और यह व्यक्ति थाने के कार्रवाई के दौरान ले जाते वक्त फरार हो गया था। आखिरकार बरुणडांगा क्षेत्र के तमालघाट इलाके के रहने वाले मनोहर हुसैन ने पुलिस के हाथों खुद को सौंप दिया और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन के सामने अपने घुटने टेके। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस प्रशासन ने भी कई तथ्य उजागर किए हैं। सिलचर कलाई राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालात के चलते पिछले दिनों करीब 7 घंटे तक यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप रहा। बेहाल सड़क के चलते जहाँ कई वाहन बुरी तरह प्रभावित हुए तो वहीं दूसरी ओर 2-1 वाहन बुरी तरह फंस जाने पर लोगों को काफी देर तक परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा। यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप रहा। 2 अगस्त को सिलचर के कांग्रेस भवन में स्वर्गीय भूतपूर्व मंत्री संतोष मोहन देव के पहला प्रयाण वार्षिकी विभिन्न कार्यक्रम के जरिए श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया। सुबह 9 बजे झंडा फहराने के साथ साथ विभिन्न बुद्धिजीवी व गुणीजनों द्वारा उनके प्रतिमूर्ति पर पुष्पार्घ अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया गया। बाद में एक सभा आयोजित कर उनके जीवनादर्श तथा किए गए उन्नयनमूलक गतिविधियों के बारे में आलोकपात भी किए गए। প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছি, বিশেষ করে আমাদের সকাল 9 ঘটিকায় পতাকা উত্তোলন হয়, তারপর আমরা 9:30টায় আমরা ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি এবং পরবর্তীতে আমাদের এখানে 11:30টায় এরপরে একটা ধর্মসভা হবে, এরপর আমাদের আলোচনা সভা রয়েছে 11:30টায়। এইভাবে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ওনার এই মৃত্যু দিবস আজকে আমরা পালন করছি। ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কে উদ্যোগ সে কাটিগুড়া क्षेत्र में आज से शुरू हुआ सेल्फी विथ कैंपस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग ने उत्साह के साथ भाग लिया। सरस्वती विद्या निकेतन, होली फ्लावर स्कूल, प्रगति विद्या निकेतन, सिद्धेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय व दूसरे कई स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। 4 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन प्रमुख तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद थे और इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। सिलचर के मानीबिल क्षेत्र में स्थित 20 फुट इलाके में बिहार राजमार्ग के चलते लोगों को यातायात परिसेवा में बड़े परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। बिहार सड़क में अक्सर दुर्घटना की वारदातें भी हो रही हैं। भारी जानवाहन यातायात करते करते इस राजमार्ग का हालत बेहाल हो चुका है, लेकिन पूर्त विभाग इस क्षेत्र में अनदेखी कर रही है। प्रभावित लोग जहाँ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर किसी भी वक्त इस क्षेत्र में बड़े हादसा हो सकता है। कुछ नाजुक दृश्य हमारे कैमरामैन ने इस क्षेत्र में ग्रहण किए। असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता के उद्योग से आने वाले 7 अगस्त से सारा भारत मोटर वर्कर्स कार्यकर्ताओं द्वारा हड़ताल कार्यक्रम पालन किया जाएगा। 3 दफा मांगों को लेकर लगातार सरकार से अपील किए जाने के बाद भी अब तक कोई अहम कदम न उठाए जाने पर असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा यह धरना कार्यसूची आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के चलते लोगों को हर प्रकार के सहयोग किए जाने का अपील किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन के तथा दूसरे कई संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता रफीक अहमद ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। স্থায়ী আমরা 3টা ডিমান্ড এবং সেই 3টা ডিমান্ড হল অ্যাবাউট ডিলে না করার জন্য তাড়াতাড়ি করার লাগে ওয়েলফেয়ার বোর্ড। 2 নম্বর হল আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি PF ESI এটসেট্রা। 3 নম্বর ইম্পোজ GST অন পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস থ্রু আউট ইন্ডিয়া।
মানে তেল তেলের যে যদি জিএসটিটা লাগে তাহলে জনগণ এটাতে বহুত উপকার পাইব, কারণ এটাতে এক্সাইজ বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স কালেক্ট করা হয় পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন থেকে। সুতরাং এটা গভর্নমেন্টের এই তিনটা ডিমান্ডের উপরেই আমরা 7 তারিখ স্ট্রাইক গাড়ি পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট লোডিং আনলোডিং বন্ধ থাকবো, আর হলন্ডিয়া মোটর শ্রমিকের সংস্থার লোকে যারা যুক্ত আছে তার গাড়ির চাকা বন্ধ থাকবে। মানে অল ইন্ডিয়া মোটর শ্রমিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাথে, যেটা হলো আপনার যেমন ন্যাশনাল পারমিটেড যে গাড়িগুলো আছে সেই গাড়িগুলো ওই দিন চাকা বন্ধ থাকবে। নেহরু যুব কেন্দ্র বদরপুর শাখা কে কার্যকর্তাও কে উদ্যোগ সে স্বচ্ছ ভারত কার্যক্রম কে তহত বিভিন্ন ক্ষেত্র মে স্বচ্ছ বাতাবরণ বনায় জানে কে উদ্দেশ্য কো সামনে রাখ এক কুইজ কম্পিটিশন কা আয়োজন কিয়া গিয়া। ইস কার্যক্রম মে বিভিন্ন ক্ষেত্র সে আয়ে স্কুলী ছাত্র ছাত্রাও নে উৎসাহ কে সাথ ভাগ লিয়া। কুল 160 ছাত্র ছাত্রাও কে উপস্থিতি মে ইয়া কার্যক্রম সম্পন্ন হুয়া। বাদ মে ইস সন্দর্ভ মে সংগঠন কে কার্যকর্তা নে বিস্তারিত তথ্য ভি উজাগর কিয়ে। সমাচারো কে অন্ত মে বরাক বার্তা কি সুর্খিয়া এক বার ফির। गुवाहाटी से असम तक पहुंचने में देश भर के ट्रक चालकों को 17 नाका गेटों पर देनी पड़ रही है रिश्वत का पगार। केंद्र सरकार के स्वच्छ नीति अंधेरे में लाचारी से निपटने के लिए ट्रक चालकों ने प्रधानमंत्री से किया अपील। घाटी के साथ संगति रखते हुए हाइलाकांड जिले के काटाखाल क्षेत्र में चल रही है रेत के अवैध व्यापार। वन विभाग के आंखों में धूल झोंक कर रेत माफिया चला रहे हैं व्यापार। आधार कार्ड दिए जाने के नाम पर लामनी क्षेत्र में सामने आया रिश्वतखोरी का काला व्यापार। 2 महिलाओं को लिया गया हिरासत में, मुख्य आरोपी हुआ फरार। लोगों में देखी गई क्षोभ की स्थिति। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा बराक घाटी सफर के दौरान हवाई अड्डे पर ही किया गया रोकथाम। 40 लाख लोगों के प्रतिनिधि बनकर बराक घाटी के सफर का मंसूबा पड़ा फीका। प्रशासन ने निभाई कड़ी कार्रवाई। सचेतन नागरिक मंच असम ने दिखाया काला झंडा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।